हेलो गाइस वेलकम टू माई चैनल तो आज हम बात बस जो, जो इंग्लिश है देखो इंग्लिश में ना अगर नॉर्मली बोला जाए तो मैंने पूरा साल इंग्लिश की पढ़ाई करी हो चाहे ना करी हो ठीक इस वीडियो को देखने के बाद भाई जो 80 मार्क्स का जो पेपर होता है ठीक है उस 80 में से 60 प्लस लाने की भी हिम्मत तुम्हारी यहीं से हो जाएगी ठीक है अस्सी में से जो तुम्हारे साठ मार्क्स यहाँ से आ जाएंगे ना तो भाई एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है सबसे पहली बात ध्यान रखना चलना है हमारा हमें जो पेपर शुरू करना है जो पीछे का पेज है ठीक है जो 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 लास्ट का पेज होता है ना ठीक है जो लास्ट का पेज है हमारे पास क्वेश्चन पेपर में ठीक क्वेश्चन पेपर जो तुम्हारा जो लास्ट का पेज है तुम्हें वहां शुरू करना है तो वहां चेक करो भाई तुम्हारे पास ना लिखा होगा 120 से लेके 150 सौ पचास वर्ड में से लिखो ठीक तो वहां पे जो तुम्हारा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को पढ़ के उस तुम्हें पहचानना है कि भाई वो कौन से चैप्टर है ठीक है कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है मैं तुम्हें वहां पर दिया ठीक तो जैसे मान लो भाई द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हाउस ठीक ये अगला में से बर्थ ऐसा तो और भी जो चैप्टर है ठीक है तुम्हें तो करना क्या है सिंपल सी बात तो करू देखो जैसे इसके लो पहले, फिर इसका इसका, ठीक, इसका। अब देखो तुम्हें तो करना क्या है कि भाई वो जो तुम्हारे पास पांच मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है ठीक है जो पांच मार्क्स जो क्वेश्चन आंसर है तुम्हें तो करना क्या भी? उसमें इसकी समरी लिख देनी है ठीक ये जो मैं तुम्हें लिख के दिया ना अगर तुम इसको सेम आंसर के अंदर लिख के आते हो ठीक ये तुम्हें आराम से पांच में से चार मार्क्स तो पक्का देगे, देगा देगा ठीक चार से कभी हो, कम होगा नहीं अगर लूज चेकिंग हुई ठीक पांच में से पांच मार्क्स पक्का ठीक पांच में से पांच मार्क्स तुम्हें आराम से मिल जाएंगे अब थोड़ा उसके आगे सुनो भाई करना क्या देखो ये तुम्हारे क्या पहले पांच मार्क्स सारे क्वेश्चन खत्म हो गए अब तुम्हारे पास उससे पीछे तुम देखो ना तो और छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं ठीक है अब क्या होता है भाई तीन मार्क्स के क्वेश्चन ठीक है ये फिर दो मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं अब तुम्हें एक लिखना कैसे आंसर सुनो मार्क्स अगर होगा तो पांच पॉइंट पहला तीन हर में भी? तीन लाइन तुम्हें लिखनी लिखनी है ठीक उसके बाद वैसे मान लो अगर तीन मार्क्स वाला क्वेश्चन हुआ ठीक है पहला पॉइंट एक दो तीन फिर दूसरा पॉइंट एक दो तीन ठीक तीसरा पॉइंट एक दो तीन तुम्हें ये सारा का सारा इसी समरी के बीच में से टिक मार मार के ठीक है ऐसा उठाते रहना है ठीक और क्या लिख देना ऐसा करना है तो तीन मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन खत्म दो मार्क्स वाले सारे, सारे क्वेश्चन खत्म ठीक है और पांच मार्क्स वाले अब भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात है हम चैप्टर को पहचानेंगे कैसे ठीक है चैप्टर को अंडरस्टैंड कैसे करेंगे देखो तुम्हें करना क्या है एक ना कैसे भी जो तुम्हारे जो चैप्टर है उसकी स्टोरी तुम्हें समझ लेनी है ठीक है

यहाँ तुम्हें तो किसी कंपनी का नाम डाल देना है ठीक है स्कूल के क्या करो किसी कंपनी के नाम मान लो भाई आरबीसी कंपनी या फिर कि कंपनी कंपनी, ठीक है तो एमएमसी कंपनी लिखा और बाकी सब कुछ सेम ठीक है दिल्ली अब देखो यहाँ पे भाई कुछ और चाहिए ना तो यहाँ पे टू पी एच डी टीचर अब तुम क्या यहाँ पे क्या लिखोगे यहाँ पर तुम लिखोगे भाई सिंपल सी क्या चीज <coughs> जैसे जो मान लो तुम्हें चाहिए कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए तो क्या लिखोगे यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर लिखोगे ठीक है अब सुनो तो यहाँ पे कंपनी लिखोगे कंप्यूटर ऑपरेटर तो कह रहा है अगेंस्ट परमानेंट पोस्ट ओनली एक्सपीरियंस एंड हाईली क्वालिफाइड कैंडिडेट विद विदिस्टिक फ्रिक्वेंसी और फ्रिक्वेंसी नीड टू अप्लाई भाई देखो इसमें क्या है कि उन्होंने ये वाली बात रखी है कि जो ना है, बहुत ही एक्सपर्ट हो वो सिर्फ वही है ठीक और सैलरी कम्यूबल मतलब कि कि मान लो इसका मतलब क्या है, कम्यूसर रेट है ठीक मतलब कि सैलरी आगे पीछे हो सकती है ठीक टू एक्सपीरियंस एंड प्रोफेशनल अचीवमेंट भाई तो तुम्हें तो, तो जितनी बात बताई ना ये बाकी तुम्हें तो सार सेम नहीं देना है कुछ चेंज नहीं करना बस तुम्हारे तो जो पोस्ट है पोस्ट चेंज कर देना ठीक और बाकी तो अगर कंपनी के नाम चेंज करने का है ठीक है स्कूल तो स्कूल ना कोई सी कंपनी नाम तो कंपनी का नाम डाल देना देखो भाई फिर अगली बात करते हैं

वरना अगर कुछ दूसरा आ गया ठीक है मान लो कि भाई तुम्हारे पास आ गया तुम टीचर हो ठीक तो यहाँ पर ले टीचर ठीक है मान लो कि इंग्लिश इंग्लिश टीचर ठीक ये लिखा और तुम्हारे फिर जाके जितना बाकी सारा सारा सेम ठीक है जैसे पोस्ट है क्या इन जैसे मान लो कि ये है इसको चेंज कर दो ठीक है और जितनी जितनी चीजें ना बस बस देखो इन दो जगह चेंज कर देना बाकी सब कुछ सेम ही देना तुम्हारे अपने आप अप अच्छे अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे इसके अंदर भी भाई अगली बात हमारे पास है

कोई गाड़ी में तो माइलेज है टायर कैसे हैं सी एन जी है, है पेट्रोल है डीजल है, कौन सा है ठीक है नॉन एक्सीडेंटल ये सारे पॉइंट लिखने हैं ठीक अगला सर्टिफिकेट इंश्योरेंस है कि नहीं ठीक एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होगा इसका और कॉन्टेक्ट एड्रेस तो अगर तुम कभी कुछ बेच रहे हो जैसे मान लो कि अच्छा तुम्हें भाई अगर कुछ बेच रहे हो तो तुम्हें हल्की बहुत नॉलेज होनी चाहिए ठीक है कह रहे हैं यू आर वैष्णव या वैशाली ठीक अ कार डीलर एट एट दुर्गा ऑटोमोबाइल कृति नगर

तो लिखोगे फोर सेल तो मान लो थ्री बी एच के ठीक है थ्री बी एच के मेरे पास है ठीक और इसी के हिसाब से ना तो जो जो ऐसा कि भाई इसमें मान लो कि मॉडुलर किचन है मॉडुलर किचन ठीक और जो जो बात है मान लो कि ओपन विंडो तो थ्री बी एच के मतलब देखो तीन तीन बेडरूम है ठीक है एक हॉल है और एक किचन है इसका मतलब ये होता है तो अगर मैं देखो भाई सेल के बारे में आया तो इसमें ना तुम्हें बस ना जिस चीज के बारे में आया तुम उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए भाई क्या क्या होता है उसमें क्या क्या नहीं होता अगर नॉलेज में थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती फिर ज्यादा ना कार के बारे में और हाउस के बारे में इसी के बारे में आता कुछ होता नहीं है ठीक है उसके बाद कह रही है लेदर सीट लेदर सीट है लेदर सीट कवर न्यू टायर है एसी है उसमें ठीक है

डीजल वैगनार आर ठीक है uh, should not be more than three -year -old. देखो अब भाई पे मेरे पास क्या है है कि अगर मुझे करना ठीक तो यहाँ पे, तो का तो तो पे अगर मान लो तुम बिल्डिंग खरीदना चाहते हो तो क्या लिखोगे वॉन्टेड थ्री बी एच के बी एच के बिल्डिंग या फिर मान लो फ्लैट इस तरीके से ठीक है

देखो मारेज की बात करें तो इसमें मतलब गुड पेंट ठीक है गुड लुकिंग होना चाहिए में अच्छा ठीक 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 है 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 नॉट बी लेस देन देखो पे ये ये तो तो पूरे, तो कट जाएगा कार के बारे में ना पूरा लेकिन यहाँ पे ना अगर बिल्डिंग के बारे में तो बिल्डिंग के बारे में ना बिल्डिंग में तुम जो चीज ढूंढते हो उसको बस कोमा लगा के लिखते रहो ठीक है लगाया कोमा लिख दिया ठीक है देखो मैंने मॉडलर किचन होना चाहिए गुड लुकिंग होना चाहिए ठीक है ओपन विंडो हो ओपन विंडो ठीक है ओपन विंडो हो गया और ऐसे करके और भी जितनी चीजें ना भाई वो सारी की सारी भी क्या लिख सकते हैं ठीक और लास्ट में भाई ठीक ऐसे कॉन्टेक्ट अमिता फोन नंबर जो भी है एक्स एक्स करके ठीक और जो तुम्हें इंफॉर्मे मतलब बाकी तुम्हें यहाँ सेम नहीं देना यहाँ से चेंज करने के बाद बाकी तुम्हें सेम नहीं देना है अगला बस भाई फोर सेल ठीक है भाई तुम अगर कुछ बेचना चाहते हो तो ठीक है भाई नेक्स्ट है अगर हम टू लेट या फिर रेंट पे ठीक है हम क्या रेंट पे देना चाहते हैं

अगर तुम्हारा कुछ खो जाता है जैसे कहना की यू लॉस इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट तो भाई डॉक्यूमेंट के बारे, बारे, बारे तो में तो इसमें लिखोगे लॉस्ट या फिर ऐसा लॉस्ट 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 तीन लिख देना ऐसा लॉस्ट 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 तीन लिखा तो लॉस्ट माई प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट ऑफ फ्लैट नंबर ट्वेल्व सन टावर रोहिणी रोहिनी बाकी सारा सेम देखो तो क्या यहाँ पे लॉस्ट माई प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट ठीक तो अगर तुम्हारा मान लग मोबाइल फोन खो गया तो क्या लॉस्ट माई मोबाइल फोन

सर्टिफिकेट, वॉलेट ज्वेलरी। तो यहाँ पे मतलब तो कुछ और मिलता है तो इसके बाद नाम, तो नाम चेंज कर देना ठीक है और जो क्वेश्चन लिखा होगा ना वो सारा सारा मैं तो सिर्फ नाम चेंज कर देना बाकी अपने आप सारा पता लग जाता है बाकी तुम्हें कितने साल का था ऐसा है वैसा है ये चीज फिर भाई अगला है ब्राइट ग्रूम वॉन्टेड ठीक है तो भाई यहाँ पे कह रहे कि देखो यहाँ पे ना अगर नॉर्मली बोले ब्राइट ग्रूम लड़का या लड़की जो चाहिए होता है वो चीज कह कि तो फैमिली ऑफ मतलब तेईस साल की पांच फुट अट इंच की रोमन कैथोलिक स्लिम कल्चर स्मार्ट स्मार्टोलॉजिस्ट वर्किंग इन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ठीक तो भाई ऐसा ना तुम्हें उसके बारे में बता रखा है तो यहाँ पे भाई क्या है कि एक ना कैपेबल मैच देख रहे हैं लड़का है फिर लड़की ढूंढ रहे हैं वो छब्बीस का हो ठीक है छह फुट का हो इस तरीके से देखो ये लड़कियों के बारे में कह रहे ब्राइड ठीक तो मतलब की लड़की के बारे में है ठीक मतलब मतलब लड़की यहां पे पे भाई एक यहां पे मतलब की जो है लड़की है उसके लिए एक लड़का ढूंढने जा रहा है तो ये सारी सारी बातें तो जब भी ब्राइड गुम के बारे में वैसे जल्दी क्वेश्चन आता नहीं है इसका ठीक फिर भी आ जाए तो सेम लिख देना कोई दिक्कत नहीं आएगी जिससे इसमें लिखा है ना सेम टेक देना तो मैं कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें ठीक अगली बात पोस्टर मेकिंग देखो तो पोस्टर मेकिंग ना सबसे बड़ी कला है तो मैंने कलाकारी तुम्हें कलाकारी करनी आना चाहिए सबसे पहले तुम्हें ऐसा जो बोल्ड वर्ड में नहीं। जो जो लिखा है बोल्ड वर्ड में तुम्हें तो पहले ये लिखना आना चाहिए अगर भाई तुम ये लिखना जानते हो तो तुम्हें बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे अगर तुम ऐसा बोल्ड वर्ड में लिखना जानते हो तो ठीक इससे होता क्या भाई जो प्रेजेंटेशन अच्छी बनती है जैसे जैसे मान लो कि वर्ल्ड योगा डे ऐसा बड़ा सा बना दिया कर दिया ठीक अगला क्या है बुक अवर बेस्ट फ्रेंड तो ऐसा क्या ना बुक के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी ठीक है जो जो लिखना है सारा सारी दिया तो देखो मैंने मोस्टली ट्राई किया जो तुम्हारे एग्जाम में आ जाए ना ये सारा तुम्हारी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है तो तुम्हें ऐसा बनाना है कि सामने लगे नजर पड़ तो 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 जाए जाए। से पड़ जाए तो तुम सोच जाए एकदम से क्या है ठीक अब जैसे कह गया जो इंसान की जिंदगी थोड़ा तो तो और लंबा बनाया जाए अगला है वर्ल्ड हेल्थ डे इसके बारे में सारा सारा असर दिया ठीक अपने हिसाब से ना मतलब छोटी मोटी तो ड्राइंग करनी आनी चाहिए ठीक है अगर ड्रॉइंग करने तो जितनी अच्छी आती है उतने अच्छे है तो मार्क्स मिलेंगे इसमें अगर देखो कह रहे है, सेफ्टी। के बारे में, कुछ में आ जाए ये लिखा दो ठीक अगले ब्लड डोनेशन कैंप है ब्लड के बारे में लिखा है अगर तुम तो आप ब्लड के बदले पानी के बारे में आ जाए ठीक है कि सेव वाटर ठीक सेव वाटर ये आ जाए तो भाई ऐसे ही बना देना ठीक नीचे एक हाथ बना देना थोड़ी बहुत तुम्हें कलाकारी आनी चाहिए फिर भाई थोड़ा और आगे बढ़ते हैं एक जैसे ग्लोबल वार्मिंग ठीक है तो अब ना जो चीज है ना भाई जैसे कह रहे हैं कि सेव द इसके ऊपर आए तो ऐसा तुम्हें बना, बना के अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है ठीक भाई अगली बात करते हैं स्पीच राइटिंग देखो स्पीच राइटिंग तुम्हें सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तुम्हें करना क्या है तुम्हें एक क्वेश्चन देखना है ठीक है क्वेश्चन में क्या है उस क्वेश्चन में जिस टॉपिक के तो ऊपर बोलेगा वो टॉपिक एक बार यहाँ पे और सेम टॉपिक तुम्हें यहाँ पे वही टॉपिक सेम यहाँ पे तो मैं भाई उसके बाद कुछ चेंज नहीं करना बाकी सारा सेम टेकू अब जिस टॉपिक के बारे में बोला अगर तुम उसके बारे में थोड़ा बहुत पता है इसके पीछे बना बना लिख दो ठीक ठीक है है भाई टू लाइन चार से पांच लाइन अगर तुम बना बना लिखोगे तुम्हारे अपने आप मार्क्स आ जाएंगे भाई अगला है डिबेट राइटिंग तुम्हें हमेशा अगेंस्ट में लिखना है ठीक जो तुम्हारा टॉपिक होगा टॉपिक को यहाँ पे ठीक वही सेम टॉपिक यहाँ पे सेम टॉपिक तुम्हारे पास यहाँ और सब कुछ तुम्हारा डिबेट मतलब कि अगेंस्ट में इसके अपने आप देख लेना भाई कैसे कैसे करोगे अच्छे खासे मार्क्स खींचेंगे इसके अंदर भी फिर अगली तो बार तुम्हें नोट मेकिंग देखो नोट मेकिंग तुम्हें ज़्यादा कुछ होता नहीं है तो मैंने क्या है और देखो भाई किस तरीके से हाउ डज कुछ बात रखनी है टॉप पहले टाइटल लिखते हैं ठीक टाइटल क्या है तो जो जो वर्ड बहुत बार रिपीट हो रहा है इसमें टेलीविजन ठीक है इसमें प्रोग्राम ये बहुत रिपीट हो रहा है तो हम हम सिर्फ इसमें लिख देंगे सिंपल टेलीविजन ठीक है सिर्फ लिखेंगे अब यहाँ से हम नोट्स बनाना शुरू कर रहे हैं। तो पहला भाई कोई सी भी हेडिंग डालो कह रहे कि हाउ डज टेलीविजन अफेक्ट अवर लाइफ ठीक तो टेलीविजन अफेक्ट अवर लाइफ ठीक तो पहले हेडिंग क्या डालोगे टेलीविजन टेलीविजन अफेक्ट आवर लाइफ ठीक है ठीक है जरूरी है तो मैं सेम लिखना है भाई अपने हिसाब से बना के लिखो पहला पॉइंट डाला इसको थोड़ा तो अंदर वन ठीक है क्या लिखो ऐसे वन अब इसके अंदर कुछ लिख दो ठीक अब तो मैंने पहले वाले के अंदर ऐसा तो लिख दिया ठीक है फिर अगला है इतना लिखा फिर भैया अगले पे आ जाओ दूसरे पे ठीक है जैसे मैंने पहले हेडिंग डाली ना ये तुम्हें सारा के अंदर कुछ, कुछ ना कुछ ढूंढना है कुछ भी कुछ भी उठा वेरी हेल्पफुल है ठीक है

लिखा, 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 फिर इसके इसके अंदर अंदर अब दो, 2 .2 देखो मैंने पहले वाले में हाँ पे लिखा पहले वाले में इसके अंदर लिख दिया ठीक है इसमें दूसरे में मैं दूसरे के अंदर लिख भाई सही लिखा है ठीक फिर लिखा है जाओ तीसरे पे ठीक है फिर तीसरा लिखोगे ये लिखा फिर इसका आएगा भाई थ्री पॉइंट वन

डी एट डिफिकल्ट हो गया फिर डिफरेंट हो गया बी का बिटवीन हो गया ठीक तो जैसे और तो मैं अगला बता रहा हूँ तो तो ऐसे तो तुम्हें ना भाई नोट्स तो पहले ऐसे बना देना सबके ठीक है अपने हिसाब से कुछ भी बना दो ठीक है जो तुम्हें लगे ना कि हाँ भाई ये बन जाएगा तो पहले में से दूसरे में से तीसरे में से, से चौथा पांचवा तो पांच है ना तो पांच होकर बना दो पांच बना दो इसके एक दो तीन चार पांच ऐसे पांच होकर बना दो फिर भाई देखो अब अगली बात में बस क्या पड़ती है देखो सबसे इंपॉर्टेंट सुनो तो करना कैसे सब, तो ना two, three, four, five, हो गया सर फिर तुम लिखो भाई दूसरा दो लिखा इसके बारे में फिर तुम्हारी हेडिंग 2.2 ठीक है लिखा अब इसके अंदर 2.2.1 लिखा है ऐसे ठीक है फिर 2.3 2.4 2.5 ऐसे लिख दिया थ्री भाई तीसरा लिखा तीसरा फिर 3.1 3.2 3.3 ठीक है फिर तीसरे में ना तीसरे के अंदर लिखो जैसे मैंने देखो पहले पहले के अंदर लिखा दूसरे में दूसरे के अंदर लिख दिया ठीक है

ये देखो ये तुम्हारा दिख रहा है जो तुमने शॉर्ट फॉर्म यूज किया जाते तुम्हें कुछ करना नहीं है जो, जो पैराग्राफ है ये जो पूरा सा पैराग्राफ नहीं ये जो पूरा ये ये ठीक इसको थोड़ा सा पढ़ के इंपॉर्टेंट पॉइंट आस यहाँ पर लिख देना तुम्हारी समरी खत्म ठीक है भाई अगली बात करते हैं हमारे पास क्या देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना इस वीडियो को करने के बाद देखो तुम्हें करना क्या जो तुम्हारे जितनी समरी है ठीक है समरी को भाई तुम्हें लर्न करनी है अगर तुमने समरी याद नहीं करी तो तुम्हारे भाई मार्क्स देखो कम जाएंगे काफी ज्यादा जाएं ठीक है तो तुम्हें समरी को याद करने बहुत ध्यान देना है जो तु, जितने तुम्हारे चैप्टर है जो देखो जो समरी मैंने तुम्हें दी है उसे और अगर तुम्हें इस पूरे के पूरे पीडीएफ की लिंक चाहिए ठीक है तो डिस्क्रिप्शन में चेक करें वही जाके तुम्हें मिल जाएगी और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये पड़ती है भाई कि समरी बिना याद की तुम्हारे मार्क्स खड़ सकते हैं अस्सी देखो अगर तुमने समरी याद कर ली तो अस्सी में से कम से कम ना साठ या सत्तर प्लस आराम से तुम्हारे मार्क्स जाएंगे ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद